मीम जीम ते छोटी है अगर मुझे ये इसमें वाहिद है इज्तहादा या इज्तहादों से इज्तहादा के मानी क्या है इसका अरबी में हर लफ्ज का एक रूट वर्ड होता है रूट वर्ड ऐसा जीम हे दाल जीम हे दाल इसी रूट वर्ड से तीन लफ्ज है बस बताओ वैसे तो एक एक रूट वर्ड से अरबी में लफ्जों का एक अजीम शान तनावर शजरा बन गया है लोग अरबी का जौक रखते हैं अंग्रेजी में ये सिफत नहीं है अंग्रेजी जबान में जो लोग अंग्रेजी ग्रामर जानते हैं जैसे एक लफ्ज है राइट राइट लिखने वाला राइट तो राइट से कितने लफ्ज बना लेंगे आप राइट राइटिंग रिटन राइटर कितने लफ्ज बना लेंगे 10, 20, 25, 50 कितने लफ्ज बनाए अभी होमवर्क कीजिएगा बच्चों की तरह अरबी में एक एक रूट वर्ड से बिना मुबालिगा बहुत अजीम शान से तो मैं इसमें से सिर्फ तीन लफ्ज आपको आपके सामने जिक्र कर रहा हूं इसी जीव है दाल से जीव छोटी है जिसे हम लोग कहते हैं जो चश्मी है जीव है दाल आए हवज वाली है इससे एक लफ्ज बनता है जिहाद एक लफ्ज बनता है मुजाहदा और एक लफ्ज बनता है मुज्तहिद और इन तीनों का मफहूम वज़ाहत कर दूं मुजाहदा कहते हैं अपने नफ्स से जिहाद करना मुजाहदा इस्तिलाह में आप डिक्शनरी में मुजाहदा यानी खुद अपने नफ्स से जिहाद करना अपने नफ्स से जिहाद करने के क्या मानी है यानी नफ्स की बेपनाह ख्वाहिशें होती हैं नफ्स की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं हर ख्वाहिश में अगर इंसान अमल करे तो क्या समझते हैं आप जिएगा वो नहीं आप वाजिब सही कह रहे हैं हर ख्वाहिश पर दम निकले इंसान अपनी ही खुद अपनी हर ख्वाहिश में अमल करना शुरू कर दे तो जिंदगी सजी हुई जिंदगी नहीं होगी वीरान हो जाएगी ये मुमकिन नहीं है कि इंसान जो दिल में आ गया उस पर अमल कर दे तो खुद अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना यह है मुजाहदा पूरे मुआशरे को कंट्रोल में रखना यह है जिहाद और मुजाहिदे और जिहाद के काबिल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना यह है मुजिज जिहाद यह मुश्तहिद मुश्तहिद वो है जो वो थ्योरेटिकल वर्क करता है इल्मी काम करता है जिससे अपने नफ्स को भी और पूरे मुआशरे को भी अल्लाह के कानून के साथ में ढालने का इल्म हासिल हो जाए ये काम करता है मुश्तहिद बारह मुश्तहिदीन की शान में और मुश्तहिद कोई भी हो सकता है ठीक है यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए अच्छे मुश्तहिद भी हो सकते हैं बुरे मुश्तहिद भी हो सकते हैं बुरे मुश्तहिद मसलन वो होंगे जो सारा पेट में दीन हासिल करके और दुश्मनों के लिए काम करें एजेंट के तौर पर हो सकता है नहीं हो सकता चाहे वो इसराइल के एजेंट बन जाए अमेरिका के एजेंट बन जाए शैतान के एजेंट बन जाए अपने नफ्स के एजेंट बन जाए यानी सब इल्म हासिल करें सिर्फ इसलिए कि उनकी जिंदगी बहुत शान और शौकत के साथ गुजरे अगर कोई शख्स ऐसा है जो इल्म हासिल करता है सिर्फ इसलिए कि उसकी अपनी जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजरे तो वो भी काबिल-ए-लान है लेकिन अगर कोई शख्स इल्म हासिल करता है इसलिए ताकि मकतब अहले बैत की हिफाजत करे फिर
आपको जेब नहीं देता कि आप उसकी शान में गुस्ताखी करो, फिर आपको जेब नहीं देता। ये वो मुश्तहिदीन है जो अपनी पूरी पूरी जिंदगियां जेल में, कैद में, कैदे का मशक्कत में गुजार कर दीन की खिदमत करते हैं। और अहले बैत की किसी एक फरमाइश से भी सरताबी नहीं करते। सद्दाम का इन उलमा का मसला क्या था? ये लोग सियासी बने हैं, ये उलमा क्या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे? इराक के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे? पार्लियामेंट के मेंबर बनना चाहते थे? कुछ भी नहीं। ये नजर छोटे से शहर में बैठकर इनमें दीन में मशगूल थे, तो फिर गवर्नमेंट का इनसे टकराव किस बात पे था? किस बात पे टकराव था? एक होता है कि भाई उनकी भी एक पार्टी है, इनकी भी एक पार्टी है, ये उनके खिलाफ है, वो उनके खिलाफ है, इन्होंने सियासी इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया, उन्होंने सियासी इल्जाम लगा के जेल। इनका कोई सियासी एजेंडा ही नहीं है, एक एजेंडा है दीन खुदा, फिक्र कुरानी और मकतब आले मोहम्मद महफूज रहे। तो किसी एक फरमाइश को भी ये नजरअंदाज नहीं करते। अगर अली ने यह कहा है तो मुमकिन है कि हम अली के मुकाबले में सद्दाम की पैरवी कर लें। अगर अबा अबू अब्दुल्लाह हुसैन ने यह किया है तो मुमकिन नहीं है कि हम अबा हुसैन के मुकाबले में किसी सद्दाम या किसी अहमद हसन अंबेडकर की पैरवी कर लें। एक एक मसल क्या क्या कुर्बानियां दी हैं नजफ के उलमा ने, जो शहीद हो गए परवरदिगार उनके दरजात बुलंद फरमाए, और आज जिस बुजुर्गवार का इंतकाल हुआ है परवरदिगार उन्हें बुलंद से बुलंद तर मुकाम अता फरमाए, और हमारे मुआशरे को परवरदिगार इल्म और अमल और बेदारी की दौलत नसीब फरमाए।